जुबिन गर्ग का जन्म असम के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उसका पिताजी एक मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट होने के कारण वो अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होते रहते थे और उसी दौरान जुबिन अलग अलग लोग और संस्कृति के साथ जुड़ गए। जुबिन ने क्लास एक या दो से ही तबला सीखना शुरू कर दिया था। जुबिन ने अपनी प्रीलिमिनरी शिक्षा 3 अलग अलग भाषाओं में की थी, जैसे इंग्लिश, बंगाली एंड आसामीज में। जेबी कॉलेज जोरहाट से हायर सेकेंडरी की शिक्षा समाप्त होने के बाद गुवाहाटी की बी बरुआ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। जुबिन पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना देखा था, बाद में वो सिंगर बनने का निर्णय लिया। फिर जुबिन अपनी ग्रेजुएशन छोड़ के पूरी ध्यान म्यूजिक करियर में लगा दिया। तब जुबिन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद की एक म्यूजिक एल्बम रिलीज कर सके। बाद में वो पैसा जोड़ जोड़ के और अपनी फ्रेंड से उधार लेके वो अपना फर्स्ट ऑडियो म्यूजिक एल्बम अनामिका के नाम से रिलीज किया। उस एल्बम इतनी हिट हो गई कि वो पूरी नॉर्थ ईस्ट में जुबिन गर्ग के नाम से पॉपुलर हो गया। जुबिन के एक बहन भी थी, जौंकी बरठाकुर। वो भी असम के एक एक्ट्रेस एंड सिंगर थी। 2002 में जुबिन के शादी का डेट फिक्स हो गया था। रिंग सेरेमनी के कुछ ही दिन बाद जुबिन के माँ की देहांत हो गई। फिर जुबिन अंदर से टूट गया। जुबिन ने अपना पहला गाना अपनी माँ से ही सीखा था। फिर कुछ महीने के बाद जुबिन के बहन की भी एक दुर्भाग्यवश कार एक्सीडेंट में देहांत हो गई। वो भी जुबिन को छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। फिर जुबिन पूरी तरह से टूट गया। वो बिल्कुल ही अकेला महसूस करने लगा, लेकिन जुबिन ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर हौसला रखा और फिर से अपनी म्यूजिक करियर में लग गए। जुबिन ने तब सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन म्यूजिक के बादशाह बन जाएंगे। आपकी बात करें तो जुबिन ने अभी तक 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में गाना गाए और 15,000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। फिर जुबिन ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और 2006 में गैंगस्टर मूवी के 40 सॉन्ग से वो पूरी इंडिया में ही फेमस हो गए। उसके बाद वो बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाए। अब मुंबई में जुबिन का खुद का एक घर भी है और उसका खुद का एक स्टूडियो भी है, जिसका नाम है साउंड एंड साइलेंस। अभी 2015 में असम में पहली बार लिविंग लीजेंड जुबिन गर्ग के ऊपर एक फेस्टिवल मनाया गया था, जिसका नाम था जुबिन गर्ग फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में जुबिन को एक अंधे बच्ची ने पूछा, आप हमारे जैसे अंधे बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे? तब जुबिन ने उसे कहा, अगर हो सके तो मैं आपको आपकी आंखों की रोशनी लौटा दूं। और जुबिन एक बार एक ब्लाइंड स्कूल में गया था और तब जुबिन ने एक अंधी लड़की से पूछा था कि क्या तुम देखती हो? तब वो लड़की ने बोला, नहीं मैं नहीं देख सकती। फिर जुबिन ने पूछा, क्या तुम सच में नहीं देख सकती? तब वो लड़की ने कहा, हाँ मैं डेली नहीं देख सकती। तब जुबिन ने कहा, तुम देखती हो वो भी अपनी दिल की आंखों से और हम आंखें होके भी अंधे हैं। जुबिन के ऐसे महान सोच को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान उसे लंबी उम्र दे।